मुलाकात करवाते हैं यहाँ की मशहूर और मरूफ हस्ती हैं अला डीनी सियाल साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सियाल फार्म हाउस के, और उनसे मिलते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि पिछले 8-9 माह से कोरोना की एक वबा आई हुई है, इसकी वजह से हमारी मुआशी हालत जो है ना वो ख़राब हो गई है, उसके हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे जो इन्होंने अपना बहुत अच्छा ज़रई फार्म बनाया हुआ है उस हवाले से बात करेंगे, और ख़ासतौर पर ज़िम्मेदारा के हवाले से एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अला डीनी सियाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर सबसे पहले हम लेंगे कोरोना को, क्योंकि पिछले 8 माह से कोरोना ने एक दहशत सी फैलाई हुई है, बल्कि पूरी दुनिया में एक फैलाई हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लाख लाख शुक्र है कि जितनी आमाद बाहर हुई पाकिस्तान में इतनी नहीं हुई, लेकिन हमारी मौशी हालत जो है वो ख़राब हो गई, उसकी क्या वजह है, कैसे ये हमारी मौशी हालत सुधरेगी? जो भी ये कोरोना की बीमारी थी है, आज हरे सारे वर्ल्ड में देखोगे कितने लाखों हज़ार हैं बदल मर गए, लेकिन पाकिस्तान में लगातार में कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से बड़ा फजल अल्लाह के करम से जो असर कम हुआ है, जो कि अल्लाह का बड़ा करम है कि कलमे की वजह से कि हम उस उम्मत से हैं जिनके लिए सारी मखलूक ने अल्लाह ताला ने बनाई, उसी वजह से हमारे बहुत कर्म हुआ। माशी हालत में तो एक मजदूर से लेके जो बड़े कारोबार तक भी पहुँचा है, क्योंकि 6-7-8 महीने जो कि कारोबार ठप था, तो बहुत बड़ा पड़ा है। खासतौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोजाना बेस पे काम करता है, जो रोजाने पे जो काम करते थे, दिहाड़ीदार तबका जो के तकरीबन जो शहर में भी रहते थे, बारवाड़ी वाले तो चलो फिर जमीन का भी काम कर लिया जी जी, वो कर लिया, जो मजदूर जो तबका जो शहर में काम कर रहे थे, होटल पे कर रहे थे, दुकानों पे कर रहे थे, उसी पे बड़ा जुल्म गुजरा है। सर यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा ज़रई फार्म मैंने देखा है बनाया हुआ है आपने, ये कितने जानवरों पे मुश्तमिल है और कैसे आपको ये शौक़ पैदा हुआ? ये शौक तो जब पैदा भी नहीं हुए थे तो भूखा था जी, फिर बड़े भाई क्या था जो राजू 2014 में फोत हो गए, फरदोस में जगह दे दी उनको, तो उसके बाद जैसे अभी मेरा वो बड़ा भाई ये बैठा हुआ है, वो सब इस चीज़ का राज जो विरसे में शुरू से चीज़ मिली तो उसको हम आगे कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ये अल्लाह का करम है, यानी कि ये आपको विरासत मिला। हाँ, अभी पैदा ही नहीं हुए थे, छोटे थे तो हमारे घर में भैंसे भी थी, गाय भी थी, ऊँट भी थी, बकरिया भी थी, अल्लाह का करम। आपके अबू का शौक था? हाँ, अबू का शौक, ये उन्होंने ही आपको विरासत मिली जी। जिम्मेदार के हवाले से क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर में कितने मसाइल हैं, अगर हुकूमत इस पे ज़िम्मेदारा का साथ दे तो हम काश्त में इजाफा कर सकते हैं? हाँ, हुकूमत सिंध दे, ख़ासतौर पर जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो साथ दें, अभी तो जो नए नए डॉक्टर निकले पता नहीं कहाँ से डॉक्टर निकले, कोई पता नहीं कि थैला खुले में लगा हुआ है, बड़ी गाड़ी में चल के घूमते, हम जब उनसे सवाल करते हैं कि भाई ये इसको क्या होगा तो जवाब ही दूसरा देते हैं कि समझ में, हमें तो समझ में नहीं आता। सही बात, ठीक है। और जब मैंने 35 साल जमीन सफाजे में 87 से अबू ने मुझे इंचार्ज किया था, सही, मैं छोटा था, लेकिन जिम्मेदारा भी आपकी विरासत में ही आ जी। हाँ जी, विरासत में हमारा, सही। तो कोई भी एग्रीकल्चर जो ऐसे समझो कोरोना की वजह से जैसे अभी लोग सोए हुए हैं कि ये तो एग्रीकल्चर वाले 20-30 साल से वैसे ही सोए हुए हैं, कोरोना तो अभी आई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ज़िम्मेदारों पे तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि हमारी मौशी जितनी भी ये डिपेंड करता है 75% कर लिए हमारे जी जी सिंध में जरे की शार कर दिए, ऐसे ऐसे 75% डिपेंड करता है हमारी जी। आप देखो ना, रोज रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, अभी हमसे गंदम ले आ गया, अगले साल 1360 रुपये अभी मार्केट में चल रहा है, 1 किलो 100 रुपये का, सही, 50-60 किलो ऐसे चल रहा है, सही। शाह साहब, आपके यहाँ पे सामाजिक खिदमत बहुत ज़्यादा, लोग आपकी बड़ी तारीफें करते हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ये आपको कहाँ से मिला, कैसे इसका
हाँ, मैं बचपन में छोटा था उस टाइम में, ये खास तौर पे ये पठान जो आते थे कपड़े वाले, 10-10, 15-15, 20 पीस पठान लाते थे। तो तब तो नहीं मोटरसाइकिल थी, नहीं कोई स्कूटर था, नहीं कोई साइकिल थी। तो पुट्ठू पे लगा के फिर, अब हम छोटे थे तो 10-10, 20 पीस, कभी तो 50 भी मुसाफिर आ जाते थे। हम अब उनको खाना खिलाता था, हम लेके आते थे। कोई दिन ऐसा भी आया कि कोई नहीं आता था, मगरब टाइम पे अबू बोलता था कि आज दिन नसीब वाला नहीं है, कोई मेहमान नहीं आ रहा है। क्या क्या वो उनके करों में के उनकी वजह से मेहमानों की, मुसाफिरों की खिदमत करके, दोस्त यारों की तो हर कोई कर लेता है, जी, लेकिन कोई मुसाफिर करे तो वह उसी ज़माने में, जब हम छोटे थे तो बोलते थे हम तो रोटी लेके बेजार हो गए सही घर से। सही लेकिन जब तो मगरब होती थी कोई नहीं आता, तो आज मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे कसम है पैदा करने वाले की, हमारे अबू ये बोलते थे कि आज दिन न भागा है, कोई कोई नहीं आया खाना खिलाने खाने वाला। तो आपकी अबू की ग्रेटनेस है। बस और वो, उसके बाद आपने ये वहीं से स्टार्ट लिया। हाँ, मैंने वहाँ से जा, फिर जैसे आदमी दुनिया में पैदा होता है तो कोई किसी को नहीं जानता, जी, लेकिन जब विवाह के अनुसार बढ़ता है तो देखा कि गरीबों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने आज ये पहले कर ये चीज़ें जो भाई अल्लाह के नाम पे आदमी करे तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जी। हमारे गांव का ही बंदा है कि जानू नाम है उसका, वो भाई का दोस्त था। तो मैंने तकरीबन 1 महीने उससे मालूम किया कि भाई उसका क्या है। मुझे रात में मेरा किसान बैठा था, उसका रिश्तेदार था, बोला वो आँखों से अंधा हो गया बेचारे की जगह पे बैठा। तो सुबह मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने बोला जाओ इसकी खबर लो क्या बात है, इसको लेके आओ क्या बता रहा है। उसने बोला कि भाई वो देखता नहीं। मैंने बोला ये इसको लेके जाओ टंडवा दम डॉक्टर तारे के पास, उससे पूछो कि भाई इसके पास क्या मसला है। अब ये मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर आ रहे हैं, अच्छा डॉक्टर है हमारा दोस्त भी है, तो उन्होंने देख के मुझे कॉल की कि भाई एक आँख तो नहीं होगी, नहीं एक आँख में 50-50 चांसेस हैं ये रिकवर हो जाए। रिकवर। तो मैंने जो बोला तो क्या बोला दें, अभी 10 दिन छोड़ो इसको आँख में दवा बवा लगा दे, उसके बाद क्लियर होगा चांसेस है या नहीं। चलो 10 दिन गुजरे, 10 दिन के बाद फिर उसका डॉक्टर के पास गए, वही बचाने के गया उसको। मैं थोड़ा मसरूफ आदमी, जमीन में काम करता जी है या जी इंसान है बिल्कुल, कहीं चला जाता। तो बेटे ने मुझे कॉल की कि डॉक्टर साहब बोलता है कि ये काम तो हो जाएगा लेकिन ये खर्चा इतना है। मैंने बोला भाई तुम डन कर लो और डॉक्टर साहब से पूछो कि आज करोगे कल करोगे कब करोगे। बोला अगर कराना है तो मैं आज ही कर देता हूँ, तो उसने कर दिया। फिर 2-4 दिन के बाद थोड़ा चलता रहा कि भाई जैसे आदमी डॉक्टर को दिखाता है एक मतलब आ गया भाई, फिर 8 दिन आ रहा, फिर 4 दिन आ रहा। तो अगले हफ्ते में वो जुमे के दिन मेरे को आया, ये कल परसों वो जुमा था, लेकिन जैसे अगले हफ्ते तो जैसे मैं घर से 9 बजे निकला तो वो पहले ही बैठा हुआ था। तो बड़ी मुझे दुआएं देने लगा, बड़ी मुझे दुआएं देने लगा कि मैं जो बैठा हुआ एक आँख में तो काम नहीं कर सकती, बाकी बैठा हुआ दूसरी आँख से मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। जो मैं बाथरूम में भी जाता था तो दीवारों पे हाथ लगा के मैं जाता था, ठीक है, क्योंकि उसकी बीवी पहले से 6 महीने गुजर गई थी जो लेने वाली थी बाथरूम में उसको। ये मेरा नहीं है, उस रब्बुल आलमीन ने मुझे दिल में डाला, डाला बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। अजी अभी एक और आदमी है, वो भी अभी 100 साल का है या 95 का है, 8-7 दिन पहले आया था मेरे पास। वैसे तो बड़े भाई का दोस्त था, हम जब छोटे थे पढ़ते थे 9th में पढ़ते थे तो बड़े भाई के साथ वो आता था, क्योंकि बड़े बड़े भाई थे जो था तो घोड़ों का शौकीन था, उस हिसाब में आता था वो। वैसे भी वो आया था, अगले साल भी था, अभी जो आया तो बोलने लगा कि मुझे बोलता है अबू, और हम भी उसको प्यार की वजह से अबू ही बोलते हैं। जी तो
बोला कि अबू मैं थोड़ा देखता हूँ, पता नहीं आँखों में क्या हो गया। मैंने बोला ठीक है, तो परसों मैंने उसको बुलाया डॉक्टर के पास, भेजा डॉक्टर के पास। वो बच्चा मैंने छोटा था भेजा था तो उसको समझ में नहीं आया, तो कल मैंने उससे बात की, उसने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, बोले आप कल ही भेज दो। तो मेरे ख्याल में अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है जो एक आँख में वो लेंस लगा के अभी वो आया है। अभी जैसे आया है तो वो मेहमान बैठे थे, अभी मैं उसे मिलाई भी नहीं हूँ। ये भी उस परवरदिगार का करम, अल्लाह पाक इसका अजर देगा जी आपको इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह मुझसे अच्छे काम ले रहा है। अगर वो बुरे काम लेने पे आए तो बुरा काम भी ले सकता था मुझसे, तो शायद इतना खर्चा उनकी आँख में नहीं हुआ जितने वो बुरे काम पे भी मैं कर ज़्यादा कर सकता। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की नवाजिश है आपके खसूसी तौर पे, और जो आपकी माँ बाप की दुआ है वो आपके साथ है। मेरी माँ की मुझे दुआ साथ है, मेरे बाप की है। और तो पता नहीं क्या क्या मैं किसा बताऊँ कि जो इंसान नेकी करके फिर बताया कि ये, लेकिन ये अभी एक महीने की बात बोल रहा हूँ और आज की मैं बोल रहा हूँ। और मेरे मुर्शिद की जो इनला वगैरह राजा वो तीन चार साल पहले इंतकाल इंतकाल करके सैयद हमाल्ला शाह रजवी जो टंडोल आया जी दरगाह है सखी मौज दरिया जी ख़ास करके उसी की भी मुझे जैसे अबू अमी ने दुआएं की थी, मैसेज करना चाहते हैं। 50 लाख की भी मशीन लगी हुई है, लेकिन लोग बाहर से एक्सरे भी करा के आते हैं, इस पे थोड़ा तवज्जो दें। और कुछ हेल्थ पे यानी कि तवज्जो देनी चाहिए, वो मशीन नहीं है लेकिन बुनियादी जो चीज़ें हेल्थ है और एजुकेशन है। सही, बुनियादी जो चीज़ है इंसान के लिए हेल्थ और एजुकेशन, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बड़ी मेहरबानी। ये थे अल्लादीनो शाह साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, खासतौर पर सामाजिक खिदमत के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमतें यहाँ पे जो है ना लोगों की कर रहे हैं। और बड़ी खुशी महसूस होती है कि ऐसे लोग दुनिया में जो है ना वो बहुत कम पैदा होते हैं। खासतौर पर उन्होंने जो बातें बताई आँखों का ऑपरेशन वाला, क्योंकि चेहरा जिसको नज़र आता है वो बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं, और अल्लाह पाक इनको ऐसे ही आगे सामाजिक खिदमत के हवाले से तफीक दे कि ये दिन ब दिन जितनी भी हो सकते लोगों की खिदमत करें। और ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध को इनका एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि आप मेहरबानी फरमा के जनाब मुराद अली शाह साहब हैं, सैयद गनी साहब हैं जो वज़ीर तालीम हैं इस वक्त, उनको चाहिए कि एजुकेशन पे और ख़ास तौर पर हेल्थ में हमारी जो वज़ीर सेहत है उनको चाहिए कि हेल्थ पर तवज्जो दें, क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पर पैसे नहीं हैं, बाहर से उनको एक्सरे करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी मशीनरी पड़ी हैं, उनको जो है ना कम से कम जो है ना यूज़ में लाना चाहिए ताकि लोग जो ना उससे मुस्तफीद हो सकें। कैमरा मैन राव गफूर के साथ डॉक्टर नवीद 72।